और ये देखिए मेरे रूम का फाइनल लुक। देखो मैंने बेडशीट भी डाल दी है और ये वाले जो कवर हैं अभी नहीं डाले हैं। और यहाँ पर चल रही है हमारे कमरे की सफाई। प्रिया लग चुकी हैं सुबह सुबह। हैं बोली एक साथ इस रूम को आज निपटा देते हैं और सारे जो गद्दे वगैरह हैं ना वो बाहर सुखाएंगे। हम फोल्डिंग डाल दिए बाहर और उस पर डाल देंगे और उसके बाद इसे पूरा साफ कर देंगे। अभी मैं आ रही हूँ, मैं उठूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और देखो सारे अब पर्दे वगैरह ना अभी धुल देंगे सब एक साथ, क्योंकि साथ के साथ धुलते जाएंगे ना तो फिर जो जैसे ही सफाई शुरू हो ख़त्म होगी और उसके बाद में पर्दे लगा देंगे नहाने के बाद में, क्योंकि ये वाला रूम इसी तरीके से साफ करूँगी क्योंकि सारी चीज़ें धुलनी है अभी, और एक साथ धोने के बाद में फिर शाम को जो है लगा दूँगी। तो इस वजह से ये पर्दे ही शुरुआत करिए पहले, कि पहले पर्दे निकाल कर और मशीन में डाल देती हूँ और प्रिया निकाल यहाँ पर देंगे। देख सकते हैं सारा सामान इस तरीके से फैला हुआ है अभी, पूरा सामान। और बेड जो है हमने अच्छे से लगा दिया है, अंदर का सब कुछ निकाल कर साफ करके बेडशीट नीचे बिछा कर तब लगाया है। और इधर ये सुखा दिए हैं सारे कपड़े, जो हमारे गद्दे हैं पिलो हैं वो सब मैंने बाहर सुखा दिए हैं अभी। और अभी तो सफाई चल रही है ऊपर में, थोड़े से कपड़े भी धोकर आ चुकी हूँ सुखा कर। जो पर्दे हैं ना वो मशीन में डाल दिए थे मैंने, तो उनको भी धोकर सुखा दिया है। और अभी ये ऊपर से सफाई हो चुकी है तो अभी ये सब सेट करना बाकी रह गया है। अभी नीचे भी फैला हुआ है, इधर एक तरफ से ना सफाई होती आ रही है तो अभी इस तरफ से करके ना इसको सेट कर देंगे। और तब जाके एक एक सामान जो है, अभी बेड क्लीन हो चुका है अंदर से बिल्कुल, सारे कपड़े वगैरह निकाल कर इसमें से सामान निकाल कर सब कुछ साफ करके और वो निकाल दिया है। अभी हमारे कमरे की पूरी सफाई हो चुकी है देखो इस तरीके से। और ये जो गद्दे हैं ना ये भी बाहर सुखा दिए थे, अब ये अंदर डाल दिए हैं, सूख चुके हैं जितने भी सब थे ना सब सुखा के और अंदर रख दिए हैं। और बाहर बराबर में जो है मशीन चल रही है तो उसे इग्नोर करना। और इधर कुछ कपड़े जो है सूख कर भी आ चुके हैं। और आप लोगों को मेरा जो सोफ़ा है वो बड़ा पसंद आता है, जब भी मैं हटाती हूँ ना कवर डाल के इसलिए रखती हूँ क्योंकि ये ना कहीं भी ज़रा सा जो है वाइट कलर है तो गंदा हो जाए, तो इस वजह से मैं इसे कवर ही डाल देती हूँ ज़्यादातर। और क्योंकि इस पे आराम से बैठे रहते हैं सब, लेट भी जाते हैं तो जैसे टीवी देखते देखते या बैठे हैं तो इस तरीके से। अभी मैं सोच रही हूँ पहले इसको मतलब बेडशीट मतलब बदल दूँ इसकी, क्योंकि ऐसा है ना अभी थोड़ी बहुत देर आराम करके उसके बाद में पर्दे वगैरह लगाएंगे। और खाना भी बना दिया है मैंने, मम्मी का खाना बना दिया है, अभी अपना नहीं बनाया है क्योंकि अपना और प्रिया का अभी नहीं बनाया है, मम्मी के लिए बना दिया था मैंने, कहा उनको बना के खिला देती हूँ और ये थोड़ा बहुत काम करना है तो उसके बाद में फिर जो है बाद में पर्दे वगैरह बाद में लगाएंगे क्योंकि सूख तो गए हैं। और ये देखिए मेरे रूम का फाइनल लुक। देखो मैंने बेडशीट भी डाल दी है और ये वाले जो कवर हैं अभी नहीं डाले हैं क्योंकि ये अभी सूखे नहीं हैं। बाकी ये ऊपर वाले पिलो कवर ये सब चढ़ चुके हैं और ये सब भी सेट कर दिया हमने इधर। और ये भी चेंज की थी, न्यू डाली। और ये सब कुछ सेट हो चुका है बिल्कुल रूम। और अब जो कवर है ना ये शाम को चढ़ाऊंगी क्योंकि लेट हो गया है बहुत ज़्यादा आज, तो ये सब काम करते करते सुबह से बहुत टाइम लग जाता है। रूम में एक एक चीज़ साफ़ करो, एक एक चीज़, क्योंकि ये सारा भी साफ़ किया है, सब कुछ साफ़ किया है, ये अंदर से एक एक सामान निकाल के। और बेड भी पूरा साफ़ किया था जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया। और अभी ये जो है अलमारी ये रह गई है, अभी ये साफ़ नहीं हुई है, ये पहले हो चुकी है ये, बाकी ऊपर से हमने सब कुछ साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद ही सब सारा सामान रखा है यहाँ पर। और ये रह गई है कपड़ों की अलमारी, तो ये किसी दिन फिर हो जाएगी ठीक से, लेकिन अभी ये रूम जो है बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और देखो फ़ैन वगैरह भी, फ़ैन भी साफ़ हो चुके, सब कुछ साफ़ हुआ है एक एक चीज़। जो कि वाइट कलर का फ़ैन है ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, वो वाला क्रीम कलर का है
और ये वाइट है, तो ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो सब कुछ बिल्कुल एकदम क्लीन हो चुका है। और अभी अपने लिए बना लेती हूँ खाना, क्योंकि अपने और प्रिया के लिए खाना बना लेती हूँ, क्योंकि हमें लग रही है भूख, भूख का टाइम भी हो गया, काम बहुत कर लिया आज सुबह से, सुबह से लगे लगे बहुत टाइम हो गया। और ये इधर बना लिया मैंने बूंदी का रायता, मिर्ची का अचार है, और बाकी बनाई है चटनी, धनिए वाली चटनी बनाई है। तो सिंपल सा खाना बनाया है आज, इसी के साथ नमक अजवाइन के मिक्स वाले पराठे हैं, मतलब खाली नमक अजवाइन नहीं है, मिक्स वाले पराठे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। सारा काम अभी बर्तन फैले हुए हैं। अभी हमारा खाना बनकर हो गया है तैयार, और मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है। चटनी है, मिर्च का अचार है, पराठा है, और रायता है, बूंदी का रायता, टेस्ट लगेगा। और देखो सारा इधर काम मैंने पहले कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि खाना खाने के बाद में ना फिर काम नहीं होता मेरे से, फिर तो एक आध घंटे आराम करूँगी, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, 1:30 बज चुके हैं। देखो दिखाती हूँ टाइम, सही बिल्कुल करेक्ट 1:30 बज चुके हैं, और अब हो रहा है मेरा खाने का टाइम, भूख भी लग रही है अब। तो ये सारा काम कंप्लीट हो गया है, और बस अब ज़्यादा काम नहीं है, शाम को ना थोड़े सोफ़े वगैरह पे कवर चढ़ाने, बाकी तो सब दिखाई दिया आप लोगों को। तो चलिए अब मैं खाना खा लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइए चटनी से खाने के लिए। अभी हो रहा है शाम का टाइम, और जैसे कि आप लोगों ने देखा ही, मैंने बहुत सारा काम किया था, और दोपहर में उसके बाद में जो नहीं भी किया था ना, वो भी मैंने दोपहर में ही कर लिया, फिर उसके बाद में थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा, लेकिन थकान बहुत हो गई है, क्योंकि उस रूम में ना इतने ज़्यादा कपड़े हैं धुलने के लिए, कहीं पर्दे भी बहुत सारे हैं उस कमरे में, पता नहीं 10-12 पर्दे हैं, क्योंकि दो दो पर्दे लगे हुए हैं सब पर, तो 10-12 पर्दे हैं। और उसके बाद में सोफ़े कवर ये वो बहुत सारे कपड़े थे, लेकिन सब धुल गए, बहुत मतलब सारा काम कंप्लीट हो गया। और धूप इतनी तेज़ निकलती है कि साथ ही साथ जो है सूखते जाते हैं, क्योंकि मशीन में ड्रायर होने के बाद में तो थोड़ी देर धूप लगानी पड़ती है उनको, और साथ ही साथ जो है मैं लाती भी रही और काम भी ख़त्म हो गया। और पापा यहाँ है नहीं है, पापा चले गए घर छोड़कर, नाराज होकर घर, है ना, तो पापा जा चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैं ऐसे ही मज़े ले रही हूँ। पापा गए बुआ जी के घर, तो वो शायद आज तो आए नहीं, मेरी बात हुई थी, बोल भी रहे थे आने की, लेकिन वो फूफा जी ने आने नहीं दिया उनको, तो कल शायद आ जाएंगे, तो देखते हैं तो कब आएंगे कब नहीं आएंगे देखते हैं। वैसे कल सुबह आ जाएंगे, क्योंकि फूफा जी जब जाते हैं ना ऑफिस के लिए जाते हैं, तभी बिठा जाएंगे उनको। और चलिए तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय।